अरे गाइस भाई दोस्तों भाई पूल में ऐसे पर रहने में क्या ही मजा आता है। एक मिनट भाई, ये सिंचन का गला है ना। सो गाइस आपको सिंचन का गला लग रहा है ना? अरे भाई लगता है कुछ कलेश करके आया है बंदा। इतना जोर से तो बिल्कुल भी नहीं चीखने वाला है भाई। इतना बढ़िया नहा रहा था गाइस पूल में, लेकिन गाइस वो बंदा हमेशा दिमाग खराब करता। अबे तूने क्या किया ये? अरे प्राणी भैया थोड़ा सा डूब चुका है, ये देखो ना ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अबे तू पागल है क्या? तेरा दिमाग कल ठिकाने पे गया है भाई। इसका तो पूरा तूने होल ही बदल दिया, मतलब ये किसका ही कार है? अरे प्राणी भैया वही हमारा पुराना कार था। अबे वो पुराना नहीं था यार, ज्यादा पुराना नहीं था, सिर्फ 5 साल का था। अरे प्राणी भैया पुराना हुआ ना, लेकिन तूने तो उसका पूरा चहिया पहिया सब अलग कर दिया यार। तूने क्या किया इसके साथ? अरे प्राणी भैया मैं यार चला रहा था, चलाते चलाते मेरा मन किया ना, इसलिए मैं कार से कूद गया और ये कार जाके ना पानी में गिर गया। उसके बाद वो अपने नाला था, उसके बाद कीचड़ लग गया। अबे यार तुझे अभी एक्सपेरिमेंट करना था भाई इस कार पे। भाई उतना पैसा भी नहीं है अभी नया कार खरीदने का। भाई इसका टायर पैर सब कुछ निकल चुका है। अरे यार अभी तू क्या यार, सच में बहुत ज्यादा बेकार बंदा है। अरे प्रगति भैया देखो ना कितना ज्यादा बढ़िया स्लाइड कर रहा हूँ मैं। अबे तू ऐसे पिछवाड़ा खींचते रहा इस कार पे। अरे यार गाइस ये मेरा सबसे प्यारा एक कार था। बेशक गाइस ये 5 साल पुराना था, लेकिन गाइस ये मेरे को बहुत पसंद था। लेकिन पिद्दी टाइप का ये सिंचन गाइस मेरे एक लौते कार का पूरा धजिया उड़ा दिया। एक मिनट चलो मैं जी नया कार खरीदा, किसी को दिखाना तो पड़ेगा। आ गया। ए ओए पिद्दी देख इस तरफ देख, इस तरफ देख। आहा मेरा नया कार खरीदा है। अरे गाइस देखो ये बंदा भी आ गया भाई। कसम से इसको अभी इसी वक्त आना था, हमेशा तो आके स्वॉप करता है। आज भाई मेरा एक घटिया कार देगा तो भाई कसम से। अरे भिखारी के पास भिखारी जैसा कार। भाई तेरे पास जो खटारा था तो वो चलने के लायक था, अभी तो चलने के भी लायक नहीं है। अबे देख मेरा नया पिंक कार। अरे प्रागी भैया जाके उसको लात मारो ना। अरे यार क्या बोले पड़ोसी यार, ऊपर से भाई होना हमसे ज्यादा ही बड़ा है। अरे प्रागी भैया बड़ा है तो कुछ भी यार, हमेशा आके उल्टा सीधा बोलता है। अबे बुड्ढे ओए देख देख बिद्दी क्या बढ़िया कलर है ना, एकदम मस्त लग रहा है। अरे प्रागी भैया इसका कार तो मस्त है भाई, कहाँ से चोरी किया है? अबे चोरी पोरी कुछ नहीं किया है, खरीदा है पूरा अपने दम पे खरीदा है। तेरे जैसा ऐसे कोई नखड़े जैसा बंदा नहीं हूँ मैं। देख हमारे पास पैसा है बहुत कुछ है, तू भिखारी का भिखारी रहेगा, तेरा जो कार है वो चलने के लायक भी नहीं है। अबे यार तू ज्यादा भोंक रहा है अभी, मेरे को लगता है तुझे कभी जाना चाहिए। मेरा भी कार खराब हो चुका है, मेरा दिमाग भी गर्म है भाई। तू मेरे से बड़ा है, तेरे को रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। ये ना मैं आज खो दूँ, चुपचाप चले जाए यहाँ से। अरे उससे पहले मेरा कार तो देख ले। अरे प्रैंकली भैया मारी तो आज इसको। अरे यार छोड़ दे फटाफट भाई, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया, एक लौता कार था उसका बैंड बजा दिया। अरे इस टाइम गाइस मेरा पड़ोसी अब आके मेरे को चिढ़ा रहा है यार। शिट। अरे प्रैंकली भैया तो दुखी हो गए यार। हाँ दुखी तो होना ही चाहिए ना, एक पिद्दी सा कार था वो भी खराब हो चुका है। अरे प्रैंकली भैया भाई का समझे भाई, इसको मारने का मन कर रहा है। चल निकल पिद्दी का ढेर फोड़िया भाई, तुम सब गरीब का गरीब रहोगे। आज तुम्हारा कार तो चलने के भी लायक नहीं है। अरे प्रैंकली भैया मैं क्या सुन रहा हूँ, इसको मार देता हूँ। चल निकल बड़ा है मार दे। अरे प्रैंकली भैया पिद्दी। अबे तुमने मेरा इतना बढ़िया कार को कहीं चोर लगा दिया। अरे भागो भागो भागो। अरे पिद्दी कहीं कहते छोड़ दे वाला भाई, 5 साल के बच्चे का एक नंबर के भाई, इतना जोर से लात मार दिया भाई, ये तो टोर पे स्क्रैच आ गया यार, मैं देखता हूँ ठीक से। अरे भाई ये तो बहुत गहरा स्क्रैच है, वही पिद्दी का सिंचर का बच्चा नहीं छोड़ने वाला मैं। अरे गाइस भाई 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 दोस्तों भाई क्या जोर से लात मार दिया, लगता है क्या काम से प्रकृति भैया। एक मिनट आपकी तो दुखी हुआ बात क्या है? अरे यार देख मैंने अपने जो वॉलेट है उससे मैंने पैसा निकाला है, पिगी बैंक भी तोड़ दिया है, उससे भाई $5 ही निकला है। मैंने सोचा था आज कार खरीदेंगे, लेकिन $5 में कौन सा कार आता है? अरे प्रैंकली भैया लगता है आप नींद में हो भाई, $5 में कुछ भी नहीं है। अरे यार तूने जो कार खरीद दिया है भाई, कार खरीदने का भी मन है और ऊपर से पैसा भी नहीं है, अब क्या करे यार। देखो गाइस $3 ही है भाई यार, काम फाम जो नौकरी कर रहा था गाइस, बॉस ने मेरे को नौकरी से भी बाहर कर दिया। क्यों गाइस पिद्दी सिंचन ने गाइस एक दिन ना मेरे को ले मेरा कार लेके कहाँ पे दूसरी जगह चला गया था, और गाइस मैं टाइम पे नहीं पहुंचा, इसलिए गाइस मेरे को निकाल दिया। अरे प्रैंकली भैया उस दिन तो आपकी गलती थी। अरे ठीक है अब झगड़ा करने का भी फायदा नहीं है गाइस, अभी मेरे पास ना नौकरी है, जो पैसा बचा था उससे हम लोग खा रहे थे, अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए मैं दिमाग ठंडा करने के लिए पूल में जा रहा हूँ। A few moments later. All right guys, so दोस्तों पूल में बहुत टाइम से नहाने के बाद ना मेरे को थोड़ा आइडिया है, सो गाइस इसलिए मैं आया हूँ जिम पे। सो गाइस मैंने सुना है जिम वाले बंदे ना बहुत अमीर होते हैं। हाँ भाई अमीर तो हूँ मैं,
अरे एक बहुत अच्छी बात है भाई, तुम ना मेरे साथ चैलेंज करो, कौन ज्यादा भाई ये पुल अप मार सकता है, जो ज्यादा चिन अप कर सकता है उसको मिलेगा पैसा। और तू मेरे को चैलेंज कर रहा है, तू मेरे से भी ज्यादा चिन अप कर सकता है, तू पहले करके दिखा तू कितना कर सकता है। अरे ठीक है भाई, जो जीतेगा उसको ना पूरा $100 देना पड़ेगा। हाँ $100 तो यू ही दे दूंगा मैं। ठीक है आजा, जो ज्यादा चिन अप कर देगा उसको उतना पैसा मिलेगा। चल सबसे पहले मैं ही कर लेता हूँ, तू बोल रहा है तो देख आजा भाई, लास्ट में तू मेरे को पैसा ना देगा भागा तो तेरे हड्डी पसली भाई पैर में घुसा दूंगा। अरे यार चलो देखते। सो दोस्तों मैंने इस बंदे को चैलेंज किया है, ये ज्यादा ही स्पीड में। चल मैंने 500 लगा ही दिया, ये ले 6 वाला। तूने बहुत गलत वाले। अबे यार गाइस मैंने क्या बहुत गलत डिसीजन लिया, देख अभी तेरा बैंड हो जाता हूँ। अभी मैं पूरा लगातार 1000 करूंगा। अबे यार 1000। अरे प्रकली भैया तो क्या काम से लगते है, प्रकली भैया पास जो पैसा भी वो भी खो देंगे, प्रकली भैया पागल हो गया। अबे यार मेरे को लगता है ये बंदा नहीं कर सकता भाई, मैं तो 50 कर लूंगा। आपसे ज्यादा उसका बॉडी है, आप समझे बहुत ज्यादा पागल हो यार, फ्रैंकलिन भैया पे भागो, अभी फ्रैंकलिन भैया का मार पड़ने वाली है भाई, उससे पहले मैं चला जाता हूं नहीं तो मेरे को पकड़ के निचोड़ देंगे। A few moments later. अरे भैया आप ज्यादा नहीं कर रहे हो क्या? अबे रुक जा अभी होने वाला है 150। अरे दोस्तों भागो यहाँ से भाई, बंदा सच में गई के नशा करके बैठा है। और कहाँ पे जा रहा है? अरे तू कहाँ पे जा रहा है? रुक जा अभी तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने सिर्फ आधा ही किया है, अभी मैं कर दूंगा 150। अरे ठीक है मैं भी चलता हूँ ना, मेरे को भी बहुत जोर से रट्टी लगी है। अबे यार भाई इस बंदे से मैंने पंगा ले लिया भाई, ये कैसा बंदा है। ऑलराइट गाइस, सो दोस्तों अभी ना दूसरी जगह आए हैं। सो गाइस हम लोग ना पैसा इकट्ठे कर रहे हैं कार खरीदने के लिए। सो गाइस हमने तो डिसाइड किया ही नहीं कौन सा कार खरीदेंगे। हाँ प्रगी भैया सबसे पहले कार डिसाइड कर लेते हैं। हाँ चलो दोस्तों सबसे पहले ना कार डिसाइड करते हैं, उस कार को ही खरीद लेंगे, नहीं तो गाइस हम लोग का मकसद नहीं होगा तो भाई मजा नहीं आएगा। चलो गाइस सबसे पहले कार देख लेते हैं कौन सा कार खरीदेंगे। अरे टेंशन ये देख। अरे प्रगी भैया ये तो भाई बहुत ज्यादा बेकार है। हाँ यार तूने बोला ये सब कार भिखारी लोग चलाते हैं। अरे मैडम मेरे को सबसे महंगा खूबसूरत एकदम लाजवाब वाला कार दिखाओ। अरे ऐसा कार कुछ नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो, एक मिनट यार ये तो बड़ा सही लगा। ये देख। अरे प्रगल भैया ये कार खरीदेंगे, ये कार खरीदेंगे, पूरा पक्का डील हो गया, अभी इसको ही खरीदना पड़ेगा। अरे भाई सही लग रहा है मेरे को। अरे प्रगली भैया भाई देखने में बहुत ज्यादा धांसू लग रहा है। अरे मैडम भाई इस तरफ आ जाइए ना इधर। अरे क्या हो तुम्हारे, अरे वो कार तुम्हारी औकात के बाहर है। अरे यार आप प्राइस तो बोल दो भाई, मैं खरीद लूंगा। सारे 15 करोड़। 15 करोड़ ठीक है भाई कोई बात नहीं। सिंचन क्या बोल रहे हैं भाई, दूसरे जना में खरीद लेंगे। अरे प्रगल भैया यही खरीदना है, यही खरीदना है। ठीक है पैसे लेके आओ उसके बाद लेना। अरे जाओ पैसे लेके आओ, 15 करोड़ लेके आओ, उसके बाद तुमको ये देने वाला हूँ, चलो चलो निकलो। अरे ज्यादा नहीं हो गया भाई, ज्यादा ही पैसा मांग रहा है। चलो गाइस अभी ना चलते हैं भाई, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा भाई, 10-15 करोड़ तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा, नया बढ़िया कार चाहिए तो काम ढूंढते हैं। तुमको नया काम 5.5 घंटे के अंदर करना पड़ेगा, तुमको ऊपर जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे तुम दोस्तों को काम करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ फाइल है उसको ले आना पड़ेगा और वहाँ पे जो सेट करना पड़ेगा। अरे ठीक है। सो दोस्तों मैंने ना एक जगह काम शुरू कर दिया भाई, यहाँ पे मेरे को ना पैसा मिलने वाला है। सो गाइस सबसे पहले 10,000 रुपये मिल चुका है, क्यों गाइस मेरे खतरनाक काम करने जा रहा हूँ भाई, रिस्क बहुत है इसलिए गाइस पैसा भी बहुत है। सो गाइस महीने में मेरे को 70,000 रुपये मिलेगा। अरे उससे गाइस कट्टा करे बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके मैं खरीद लूँगा वो खतरनाक वाला स्पोर्ट्स कार। अरे प्रगति भैया लेकिन अब ऊपर से गिर के मर गए तो क्या होगा? अरे यार देखो गाइस मैंने काम शुरू किया नहीं, सिंचन बोल रहा है भाई आप ऊपर से गिर गए तो क्या होगा। अबे यार तू सच में इतना ज़्यादा नेगेटिव बंदा है क्या ही बताए। सो गाइस लगता है मुझे अभी उस तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेरे को कुछ काम है अभी। अरे प्रगति भैया उस तरफ जाओ, सामने जाओ, सामने जाके आपको जोड़ना पड़ेगा ना, वहाँ पे तो यही काम लिखा है, आपको वही करना पड़ेगा, अभी जाओ फटाफट। हाँ करना तो पड़ेगा, एक मिनट। अबे सिंचन तू वहाँ पे देख रहा है क्या, वहाँ पे देख एक डॉगी है। अरे प्रगति भैया मैंने तो देखा नहीं, ये डॉगी वहाँ पे कैसे चला गया? अबे यार मैं भी सोच रहा हूँ, अरे भाई तू यहाँ पे कैसे आ गया, अभी मैं क्या करूँ। चुपचाप भाई बिल्कुल भी मत हिल, मैं तेरे को बचा लूंगा यार, चुपचाप रह एकदम। अबे यार चुपचाप बहु मत कर, अभी मैं तेरे को पकड़ता हूँ यार। मार सड़िया पावर वाले नू, ए हट जा बेदगी के, मैं चाह रहा हूँ ना कलवे के बच्चे यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरे को पिजवारे में काट के सुई कर दूंगा। अरे 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 भाई ये कैसा कुत्ता है भाई, इसको बचाने गया था। अरे लगता है प्रगति भैया मर गए यार। यार भाई इतना जल्दी नहीं मरना भाई, मैंने प्रगति भैया को बोला भाई इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन प्रगति भैया इतने ज्यादा लालची है क्या ही बताए। अरे प्रगति भैया आपका हड्डी पसली ठीक है, कब जिंदा हो? और प्रगति भैया आपके जिंदा हो, कहाँ पे चले गए यार? और प्रगति भैया अरे जिंदा तो ओ भाई। अरे लगते प्रगति भैया मर चुके हैं यार, चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। भाई डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने तो ना बड़ा बड़ा इंजेक्शन दिया भाई, पिछवाड़ा में लग रहा है अभी।
चलो दोस्तों तुम्हारा भाई अब जिंदा है। भाई कसम से क्या ही कुत्ता था, उसको बचाने गया भाई वो बंदा उल्टा भाई मेरे को काटने आया था। अरे प्रहल भैया अब क्या होगा, हमारे नया कार का क्या होगा? अरे भाई पहले ठीक से चल तो लूं। एक मिनट यार, ये कौन है भाई, तुम यहाँ पे इतना परेशान क्यों हो? अरे क्या ही बताए, देख ना मेरा ये कार था भाई, ये किस मेरा नौकर का कार था, उसको लेके मैं आ गया। मुझे पता नहीं ये पिद्दी का कार खराब था, अभी देख मैं बीच रास्ते भटक चुका हूँ, अभी मैं क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे आधे घंटे के अंदर मेरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर मेरे को आधे घंटे के अंदर जाना पड़ेगा और कोई बंदा लिफ्ट भी नहीं दे रहा। अरे यार ऐसा सीन है, अबे कुछ करके कोई कुछ मदद भी नहीं कर रहा, अभी मेरे को आधे घंटे के अंदर नहीं गया तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, करोड़ों का लॉस हो जाएगा। अभी लगता है गाइस ये बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है, अभी ये बहुत बुढ़ा फंस चुका है, अभी इसके कार को ठीक करना पड़ेगा। भाई बंदा तो आसपास कोई टैक्सी भी नहीं दिख रहा जो टैक्सी ले ले बंदा। लेकिन गाइस मैंने तो ये मैकेनिक का काम बहुत टाइम पहले करता था, अभी मेरे कुछ याद है क्या, देखना पड़ेगा। चलो गाइस एक बार चेक करता हूँ। अरे पहले भैया आप ठीक कर दोगे यार, मेरे को बताएं। अभी मैं देख रहा हूँ लेकिन मेरे को गड़बड़ बहुत ज़्यादा लग रहा है। अरे भैया आप क्या करते हो, आपके रसोई में काम करते हो क्या प्रैकल भैया? अबे यार देख रहा है ना, अभी काम कर रहा हूँ, चुपचाप हट जाना। अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अरे अंकल जी आप क्या रसोई में काम करते हो? अबे पागल मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं इस लॉस सैंटोस का दूसरा अमीर बिजनेसमैन हूँ, सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो है मेरा बेटा। अरे प्रैकल, अरे आपका बेटा आपसे ज्यादा अमीर है? हाँ मेरे से ज्यादा अमीर नहीं है, सिर्फ नाम का ही है। अरे ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप इतने अमीर कैसे बने? ऑलराइट लगता है ठीक हो चुका है। अरे आप एक बार चेक करके जाए, रुको मैं एक बार चला के देखता हूँ, आई थिंक ये चल जाए तो अच्छा ही होगा, नहीं तो मुझे वक्त लग जाएगा इसको ठीक करने में। ऑलराइट भाई चल रहा है, अरे बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अब एक बार सामने चला लाता हूँ। ऑलराइट भाई कार तो एकदम पूरा मस्त चल रहा है। अरे अंकल जी आपका ना पूरा काम बन चुका है, चलो आपने फटाफट एक कार लेके जाओ। अरे सुनो तुम भी उस तरफ जाके बैठो। अरे मैं भी बैठू? हाँ बैठो। अरे एक मिनट सिंचन मैं आ रहा हूँ ना। अरे तू भी आ जा फिर दी। अरे ठीक है मैं भी आ गया। अरे अंकल आप हम दोनों को लेके कहाँ पे जाने वाले हो, आपका तो कोई बिजनेस मीटिंग था, आधे घंटे के अंदर पहुँचना है आपको ना। हाँ मेरा काम भी है इसलिए मैं तेरा कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा जो मीटिंग था तो आधे घंटे था, अभी 10 मिनट से बाकी है, मुझे पता नहीं तू मेरे को फिर से मिलेगा क्यों नहीं। मेरे तेरे को लगा तू बहुत ज़्यादा दिल का अच्छा लगा यार, मेरे को पता नहीं आजकल दोस्त एंड उसके बंदे भी इतने अच्छे भी होते हैं। भाई तूने मेरा बड़ा हेल्प किया, लगता है मैं 10 मिनट का टाइम है, मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। भैया ये बंदा क्या बोल रहा है? अरे अंकल जी आप क्या बोलना चाहते हो भाई, हम दोनों को बेचना चाहते हो क्या, किडनैप करना चाहते हो क्या? अरे तेरा पागल है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तू मेरे को बोल रहा है तेरे को बेच के मैं पैसे लूंगा। सुन ये कार्ड आपसे तेरा होगा, 10 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, इससे तेरा काम बन जाएगा लगता है। अरे यार 10 करोड़ रुपए, अरे क्यों? अरे तूने मेरे को एकदम बहुत मुश्किल वक्त में तू मेरा मदद किया भाई, इस टाइम में लगता है मेरे कोई मदद नहीं करता। अरे ये जो मीटिंग है ना ये हो रहा है 100 करोड़ का। अरे 100 करोड़ का मीटिंग, भाई सच में अभी इतने अमीर हो? हाँ सुन मैं तेरे फोन में तेरा कर रहा हूँ 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, और ये कार्ड भी तू रख ले, तेरा अच्छा लगे तो ले सकता है तू। ठीक है मैं तेरे को फटाफट पैसा भेज रहा हूँ। अरे लेकिन इतना पैसे का? अरे चुपचाप लेके चल अभी यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ ना मेरा कोई मीटिंग है, पता भी नहीं था। आजकल के बंदे भी दिल के अच्छे होते हैं यार, मेरे को ये बंदे से बात ना अच्छा एकदम बढ़िया। अरे यार भाई ये कैसा यार था अंकल, भाई मेरे को पूरा 10 करोड़ रुपए एकदम से दे दिया, गाइस बिल्कुल भी नहीं सोचे एक बार भी पैसे के बारे में। अरे प्रवीण भैया बंदा बहुत ज्यादा अमीर था, अरे आपने उसका मदद किया ना उसमें बहुत ज्यादा खुश हो गया। हाँ गाइस वो जो बोल रहा था मीटिंग के बारे में ना, वो ही ना 100 करोड़ के ऊपर हो रहा था, और वो तो मेरे को ऐसे 10 करोड़ रुपए दे के चला गया जैसे वो 10 रुपए हो। अरे प्रवीण भैया देखो ना दुनिया में कितने ज्यादा अमीर होते हैं, आप कितने बड़े गरीब हो। अरे ठीक है भाई छोड़, भाई जितना पैसा आया है ना उससे हमारा टारगेट कंप्लीट करते हैं भाई, जो कार्ड है ना वो खरीदेंगे। अरे प्रवीण भैया उस कार का प्राइस 15 करोड़ रुपए। अरे लेकिन देखना भाई कुछ बात करके देखते हैं भाई, 10 करोड़ रुपए तो है, अरे इस कार को भी जरूरत पड़े बेच देंगे भाई, क्या ही होगा इस कार को लेके, उस कार को लेके चलाएंगे। अरे तुम फिर से आ गए, तुमको बार बार बोला 15 करोड़ रुपए ले आना, तुम कहाँ पे चले गए, निकलो अभी यहाँ से, मेरा मूड खराब मत करो। अरे अरे यार प्लीज दीदी मेरी कुछ बात सुन लो। क्या सुनना है? अरे मेरे जो कार है ना वो मेरे 10 करोड़ रुपए है लेकिन मेरे पास 15 नहीं होगा, प्लीज ये कार को आप ले लीजिए, उसके बदले मेरे को आप दे ले, आपको 10 करोड़ रुपए में भेज रहा हूँ। अरे ठीक है धक्का मार रहे हो, अरे इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ मैं? अरे प्लीज मेरी बात सुन लो यार, थोड़ा डिस्काउंट देके छोड़ दो, अपना छोटा भाई समझ के प्लीज। ठीक है ये कार बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, इतना महंगा कोई खरीदा नहीं है, ठीक है तुम ले सकते हो 11 करोड़ रुपए। ठीक है मैंने तुमने मेरे को पैसा भी भेज दिया? हाँ आपको मैंने 10 करोड़ रुपए भेज दिया, यार ये कार्ड भी आप रख लेना, इसको जितना मैं वो भेज देना। ऑलराइट गाइस फाइनली ये कार्ड मेरा हो चुका है, और रेस इंजन के बच्चे कहाँ पे चला गया यार, फटाफट कार में बैठ। अरे धक्का मार दिया। अरे दीदी माफ कर देना यार,
राइट गाइस, सो दोस्तों हमने जिसका टारगेट किया वो टारगेट तो हमने कंप्लीट कर लिया। सो गाइस हमारा शौक था एक महंगा गाड़ी खरीदना, फाइनली गाइस हमने एक सुपर कार खरीदा है। सो गाइस इस कार से घूमेंगे फिरेंगे और गाइस सिंचन को नहीं एक बहुत ज्यादा कम चलाने दूंगा, बहुत गंदा कार चलाता है। अरे प्रागी भैया एक्सीडेंट तो आप कर रहे हो। अरे यार मैं भी बहुत गंदा चलाता हूँ। सो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो एंड होता है, आपको वीडियो चलो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर देना और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे प्रागी भैया आप बताना ये सब वीडियो को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? भाई मेरे को तो पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन जब अच्छे लगे तो कर लेंगे। सो दोस्तों कर देना, चैन भी बोल रहा है।